नगर निगम भिलाई के जोन कार्यालय 5 में भिलाई निगम के कांग्रेस पार्षद के बेटे ने जमकर हंगामा मचाया। पार्षद के बेटे रॉबिन सिंह और उसके दोस्त भास्कर दुबे ने जोन कार्यालय में कार्यरत प्रभारी सहायक अभियंता दीपक देवांगन के साथ जमकर गाली गलौज की, साथ ही टेबल पर रखे सरकारी दस्तावेजों को फाड़कर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इस पूरी घटना के बाद डरे हुए प्रभारी सब इंजीनियर और उनका स्टाफ भिलाई नगर थाना पहुंचा, जहां उन्होंने इस पूरी घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। दरअसल ये पूरा मामला सौंदर्यीकरण के काम में हुए खर्च के पैसे के लेन देन को लेकर था। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के चलते वार्ड में मरम्मत के कुछ काम होने थे और इसी वक्त ठेकेदार शहर से बाहर था, जिसके बाद सब इंजीनियर ने ठेकेदार से पार्षद के बेटे की बात कराई और इसी बीच मरम्मत का काम किया गया, जिसके एवज में ठेकेदार को पार्षद के बेटे को पैसे देने थे, लेकिन अब पैसे दिलवाने का दबाव पार्षद का बेटा सब इंजीनियर पर बनाने लगा। जबकि सब इंजीनियर दीपक देवांगन का कहना है कि दोनों के बीच बातचीत पहले ही हो चुकी थी और वो पैसे के लेन देन के किसी भी मामले में बीच में नहीं है। फिलहाल पुलिस ने सब इंजीनियर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। देखिए, जोन कार्यालय सेक्टर 6 में स्थित है नगर निगम का, वहाँ प्रभारी असिस्टेंट इंजीनियर दीपक देवांगन है, उनके द्वारा लिखित शिकायत की गई है कि सेक्टर 10 के रॉबिन सिंह एवं उनके साथी के द्वारा उनके साथ गाली उतार कर शासकीय कार्य में बाधा किया गया है। प्रकरण में दीपक देवांगन जो प्रार्थी है, उनके द्वारा लिखित शिकायत की गई है। उक्त शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।